मध्य प्रदेश में लगभग 6 लाख ओबीसी छात्रों को 482 करोड़ रुपए की पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति में देरी हो रही है। ये पैसा छात्रों ने निजी शिक्षा संस्थानों में फीस के रूप में जमा करा दिया है। इसमें इंजीनियरिंग, मेडिकल ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की फीस शामिल है। साथ ही हॉस्टल और गैर हॉस्टल आवास का किराया भी छात्रों को अभी तक नहीं मिला है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार लाडली बहना योजना के कारण कई विभागों के बजट में अड़ंगा आ रहा है, जिसमें छात्रवृत्ति भी शामिल है, जिसमें इंजीनियरिंग और मेडिकल की 30 से 35,000 रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक की छात्रवृत्ति है। कुछ पैसा 15 फरवरी के आसपास जारी हो सकता है, लेकिन पूरी राशि 2024-25 में मिलेगी। पहले साल छात्रवृत्ति में विलंब होता था, लेकिन इस बार 2 साल हो गए हैं। 2021-22 में 350 करोड़ रुपए की छात्रवृत्ति दी जाती है, लेकिन अभी तक केवल 150 करोड़ रुपए मिले हैं। बाकी के लगभग 200 करोड़ रुपए बचे हैं। इसमें किराए और पिछले साल के रिन्यूअल भी शामिल है। 2022-23 में 482 करोड़ रुपए की छात्रवृत्ति मिलनी है। 2022-23 का 600 करोड़ रुपए भी अभी तक नहीं मिला है। बजट के 400 करोड़ बचे हैं, फिर भी नहीं मिले हैं। इंजीनियरिंग और मेडिकल की पढ़ाई करने वालों को हॉस्टल में रहने पर 850 रुपए और गैर हॉस्टल वालों को 380 रुपए मिलते हैं। डिप्लोमा वालों को 450 और 230 रुपए मिलते हैं। बीए, बीएससी और बीकॉम को 400 और 230 रुपए हर माह मिलते हैं, लेकिन ये पैसा अभी तक नहीं मिला है।